हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ई लर्निंग। हम आज ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब? हमने तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े, मेजर तीन टाइप के पढ़े थे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक मॉडल और एक मार्जिनल। हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। अब ये शब्द कैसे इस्तेमाल करने होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कैन कैसे यूज़ करना है, कुड कैसे यूज़ करना है। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि मे कैसे यूज़ किया जाता है, माइट कैसे यूज़ किया जाता है, मस्ट कैसे यूज़ किया जाता है। तो इन शब्दों को यूज़ करके मैं क्या दर्शाना चाहती हूँ, कौन से फीलिंग्स को बताना चाहती हूँ, कौन से थॉट्स को बताना चाहती हूँ। सो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये मे और माइट, ये जनरली क्या दिखाते हैं हमें? ये दिखाते हैं पॉसिबिलिटी या परमिशन। पॉसिबिलिटी मतलब ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। जब मैं ये बोलती हूँ कि इट माइट हैपन, नो 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 इट मे नॉट हैपन। सो जब हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो हमें इन शब्दों से क्या समझ में आता है? इन शब्दों से हमें ये समझ में आता है कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। कभी कभी होता है कि मे आई कम इन, हम ऐसे पूछते हैं। आपके स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में तो हमें हमेशा ही पूछना पड़ता है अपने टीचर्स को, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई ड्रिंक वाटर। ओके, सो जब हम ये पूछते हैं तो हम कहते हैं परमिशन मांग रहे हैं, हम परमिशन मांगते हैं। कभी कभी मे को हम रिक्वेस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कहाँ पॉसिबिलिटी होती है, कहाँ परमिशन होती है, कहाँ रिक्वेस्ट होती है। एग्जाम्पल, दे मे नो द आंसर, शायद उनको मालूम है। हिंदी में अगर मैं कहूँ कि उनको शायद ये जवाब मालूम है, तो शायद शब्द ही दिखाता है कि पॉसिबिलिटी है, उनको मालूम होगा। सो दे मे नो द आंसर, दे माइट नो द आंसर। ये प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, लेकिन दोनों का मीनिंग ही पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ये पॉसिबल है कि उनको मालूम होगा। जब हम ये ऐसे कहते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मे और माइट। मे आई ज्वाइन द पार्टी विथ माई फ्रेंड्स, अब ऑब्वियसली ये किसी एक बच्चे का क्वेश्चन होगा या अपने पेरेंट्स को परमिशन मांगने का, राइट? सो मे आई ज्वाइन द पार्टी विथ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ है, परमिशन मांगी जा रही है। सो ये जो वर्ड मे है, ये परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, मे आई कम इन ये परमिशन भी हो सकता है। सो आप कभी इंटरव्यूज में जाते हैं, आप नॉक करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मे आई कम इन, तो ये परमिशन हो गया, या रिक्वेस्ट मे आई कम इन सर, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। सो ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, परमिशन भी हो सकता है। माइट आई आस्क यू टू मूव अ लिटिल प्लीज, माइट आई आस्क यू टू मूव अ लिटिल प्लीज। जैसे ही आपको शब्द दिखा प्लीज, आप बोल सकते हैं ये तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये परमिशन नहीं, ये रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो हाँ कहता है सामने वाला तो आप जरूर करेंगे। सो मे माइट, ये दो शब्द जो होते हैं, ये पॉसिबिलिटी, परमिशन, या आप कह सकते हैं इसके साथ रिक्वेस्ट भी दिखाते हैं। सो ये तीन चीज़ें हमें मे और माइट शब्दों से मालूम चलती हैं। तो मस्ट जो शब्द है, MUST, मस्ट, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, चलिए देखते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट, ये तो आपने सुना होगा, यू मस्ट कम ऑन टाइम। ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस में रूल ही होता है कि टाइम पे आओ, मतलब पंक्चुअलिटी दिखाओ। तो जब कहते हैं कि आप टाइम पे नहीं आए तो आपको पहले बोला जाता है यू मस्ट कम ऑन टाइम, यू मस्ट कम्प्लीट दिस वर्क बिफोर द सेशन एंड्स। तो जब हम मस्ट बोलते हैं तो यहाँ हमको दिखाना चाह रहे हैं हम कि यह सख्ती का भाव या कंपल्सरी भाव, यहाँ स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है। सो ये जो मस्ट वर्ड है, ये जनरली रेफर क्या करता है, ये रेफर करता है कंपल्शन या ऑब्लिगेशन को।
ऑब्लिगेशन मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट करो, किसी को आप एल्डर हो इसीलिए ऐसा करो, या आपसे बड़े हैं इसीलिए ऐसा बोलो। जब हम ऐसा सिखाते हैं बच्चों को तो हम उनको ऑब्लिगेशन सिखा रहे हैं कि उम्र का लिहाज करो, ऐसा करना चाहिए, या ऐसा आप छोटे हो वो बड़े हैं। इस टाइप का जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम एक्चुअली उनको ऑब्लिगेशन ये फीलिंग सिखाते हैं कि ये हमारे अंदर आना चाहिए, अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। तो ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल आपको जनरल लाइफ का मैं बता दिया कि यू मस्ट वेयर शूज़ फॉर हाइकिंग। आप चप्पल पहन के तो हाइक नहीं कर सकते हो, सो यू मस्ट वेयर फॉर शूज़ फॉर हाइकिंग। तो जब हम ऐसे कहते हैं यू मस्ट बिगिन योर वर्क विथ अ प्रेयर, यहाँ पर भी हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, ऑब्लिगेशन सिखा रहे हैं कि भगवान पे विश्वास करना सिखा रहे हैं। तो ये ऐसा चीज़ें जो हम करते हैं लाइफ में, वहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हम मस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये मस्ट वर्ड कंपल्शन एंड ऑब्लिगेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट साइन द रजिस्टर बिफोर यू एंटर द हॉल। कुछ कार्यक्रम चल रहा है, हॉल के अंदर जाने से पहले आपको साइन करना ही है, मतलब यहाँ कंपल्सरी हो गया, ये कंपल्शन दिखा रहे हैं। जब हम ऐसी फीलिंग दिखा रहे हैं या ऐसा कुछ व्यक्त करने जाते हैं जहाँ हमको कंपल्सरी कुछ करना पड़ता है, तब हम ये मस्ट लगाते हैं। यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जब हम यहाँ मस्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं या जोर दे रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि ये कंपल्सरी है, आपको करना ही है। जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो हम बच्चों को अच्छी बिहेवियर सिखाते हैं, अच्छा कुछ मैनर्स सिखाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, जब हम चिल्ड्रन देयर मस्ट ओबे देयर एल्डर्स ऐसा शब्द यूज़ कर रहे हैं वाक्यों में, तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये तो आपके मैनर्स में आना ही चाहिए, ये हो गया ऑब्लिगेशन। जब हम कहते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है बचपन से, ऐसा ऐसा बिहेव करो, ऐसा बोलो, ऐसा बैठो, तो ये हो गया ऑब्लिगेशंस। सो ये जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये जो कंपल्शंस होते हैं, ये शब्द, ये जो हमको फीलिंग्स दिखानी होती है, ये हम मस्ट शब्द से दिखा सकते हैं। सो आज के वीडियो आपने देखा कि मे, माइट, मस्ट, ये जो तीन शब्द हैं, तीन मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है, कौन सी फीलिंग्स हमें दिखाते हैं, कैसे इसको शब्दों में यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना है। सो आपको ये मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ के काफ़ी ज्ञान आया होगा, काफ़ी नॉलेज समझ में आई होगी, जिससे आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम पे ये पूछा जाता है अंडरलाइन द मॉडल ऑक्सिलरी, तो अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी ही नहीं मालूम है तो आप अंडरलाइन क्या करेंगे। ये जो पोर्शन मैं आपको कवर कर रही हूँ आपके लिए, ये जनरली 8th, 9th, 10th बोर्ड एग्जाम्स तक बहुत यूज़फुल होता है। आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करिए, और ज़्यादा वाक्यों में मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढने का प्रयत्न करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए। आज के लिए काफ़ी है। Bye for now. Have a nice day.